सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हां मनजोत सिंह। अज्ज दे विशेष बुलेटिन दे विच तुहाडा निघा स्वागत करदा। खबरां दी शुरुआत तों पहलां झात मारदे हां इसदियां खास खास खबरां ते। किसानां दा राज भवनां वल मार्च भलके, 40 दिनां दी पैरोल खत्म, वापस जेल पहुंचिया डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सारे राज्यां दे वित्त मंत्रियों नाल प्री बजट मीटिंग कीती। निजी अधिकारां दी सुरक्षा नूं लैके अमिताभ बच्चन ने दायर किया केस। सिसोदिया वालों भाजपा ते केजरीवाल की हत्या की साजिश का दोष। हुणे खबरां विस्तार च। संयुक्त किसान मोर्चे वालों 26 नवंबर नूं चंडीगढ़ विखे पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नूं अपनियां मंगां संबंधी मंग पत्र सौंपिया जाएगा। किसान मोर्चे दे आगू अते होर किसानां वालों 26 नवंबर नूं मोहाली दे गुरद्वारा अंब साहिब विखे इकट्ठ कीता जाएगा। इस इकट्ठ संबंधी किसान आगुआं वालों तैयारियां कीतियां जा रहियां हन। किसान आगुआं दे मुताबक 26 नवंबर नूं मोहाली दे गुरद्वारा अंब साहिब तों पंजाब राज भवन वल मार्च किया जाएगा। देश भर च किसान राजपालों नूं मंग पत्र देणगे, जिस च किसानां ते हो रहे अत्याचार संबंधी कार्रवाई की मंग की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग 33 किसान जथेबंदियों दी विच होई, जिहदे विच कल नूं जो 26 तरीक साडी ऐलानी हुई आ भी गवर्नर नूं, देश दे सारे गवर्नरां नूं कल 26 तरीक नूं मंग पत्र दित्ते जाणे ने। उस दे तहत पंजाब दीआं जथेबंदियां वल्लों चंडीगढ़ दे विच सवेरे 11 बजे असी गुरद्वारा अंब साहिब इकट्ठे होवांगे। उस तों बाद 2 बजे तक स्टेज चलूगी, उस 2:30 बजे तक स्टेज चलूगी। उस तों अगे असीं जिहड़ा मार्च चंडीगढ़ वालू मार्च करांगे ते गवर्नर साहब नूं असीं मंग पत्र देण जावांगे। उहदे विच सानूं 2 साल हो रहे ने 26 तरीक नूं जिहड़ा असीं मोर्चा शुरू कीता सी आपदा दिल्ली दा, उहदी वरेगंढ आ। उहदे नाल जिहड़ियां साडियां मंगां सी, कुछ मंगां तां सेंटर सरकार ने जिवें 3 काले कानून वापस कर ले सी, पर साडी MSP दी मंग अजे अधूरी आ। लखमीरपुर खीरी का इंसाफ सानूं नहीं मिलिया, साढ़े ते परचे आ जिहड़े उह वापस नहीं होए। मेन गल इक इह वी आ वी चंडीगढ़ दे परचे वी साढ़े ते ज्यों दे त्यों अजे तक कायम ने, उह वी साढ़े नहीं माफ होए। उहदे लई असीं जिहड़ा सद्दा दित्ता होया सी, उहदे लई असीं कल नूं पूरन हज़ारां किसान जिहड़े आ तुसीं देखोगे वी जिहड़े इकट्ठे हो जाणगे, ते उस तों बाद असीं जिहड़ा चंडीगढ़ वल नूं असीं मार्च करांगे। जबर जनाह अते कतल दा दोषी डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम अज रोहतक दी सुनारिया जेल विच वापस परतिया है। राम रहीम दी 40 दिनां दी पैरोल पूरी हो गई है। पुलिस वल्लों उस नूं सुनारिया जेल च लियांदा गया है अते इस दौरान जेल दे आले दुआले सुरक्षा वधा दित्ती गई सी। राम रहीम 15 अक्तूबर नूं पैरोल ते जेल तों बाहर आया सी। पैरोल तों बाहर आउण तों बाद उह रोज़ाना यूट्यूब ते ऑनलाइन आ के सत्संग करदा सी। राम रहीम दे सत्संग च कई नेतावां ने भी शिरकत कीती सी, जिस नूं लै के काफ़ी विवाद होया। राम रहीम ने पैरोल तों बाहर आउण तों बाद 2 गीत भी रिलीज़ कीते सन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सारे राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे वित्त मंत्रियों नाल प्री बजट मीटिंग दी प्रधानगी कीती। मीटिंग दा उद्देश साल 2023-24 दी आगामी बजट लई जानकारी अते सुझाव लैणा सी। इह बैठक राजधानी दिल्ली च होई है। मीटिंग विच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला अते राज केंद्रीय शासित प्रदेशां दे वित्त मंत्रियों तों इलावा केंद्रीय वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी अते भागवत कराड़, केंद्रीय वित्त मंत्रालय दे वख-वख विंगां दे सकत्तर, मुख आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन अते होर हाजिर सन। आज माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने एक बैठक ली, जिसमें महाराष्ट्र की ओर से कुछ चीजें मैंने रखी। विशेष रूप से मैंने भारत सरकार का इसलिए अभिनंदन भी किया है कि उन्होंने 1,00,000 करोड़ की कैपिटल ग्रांट की स्कीम निकाली है, जिसमें 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन वो दे रहे हैं और महाराष्ट्र को इसमें सबसे बड़ा फायदा हुआ है। करीब 6,800 करोड़ महाराष्ट्र को मिले और हमने 3,000 करोड़ रुपए और 2,900 करोड़ का एक और प्रस्ताव दिया है। मेरी अपेक्षा है कि वो भी हमको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ GST कम्पेंसेशन का भी करीब करीब पैसा महाराष्ट्र को मिला है। कल ही 2,000 करोड़ रुपया मिला है। अभी जो CAG ऑडिट है वो ऑडिट होने के बाद और 13,000 करोड़ रुपया हमको मिलेगा, तो उसमें भी भारत सरकार ने काफी हमको मदद की है। मैंने इसके साथ साथ कुछ और मांगे की है, विशेष रूप से जो पूरक पोषण आहार है इसमें 2017 के रेट से वो बढ़ाया जाए, ऐसी एक मैंने मांग की है। NDRF में अभी चूंकि क्लाइमेट चेंज के कारण
कुछ चीजें बदली है, जैसे 65 मिलीमीटर बारिश की जगह 7-8 दिन बारिश आती है और किसानों की फसल बर्बाद होती है, तो इसलिए उसको भी उसमें शामिल किया जाए, ऐसी भी चीजें मैंने रखी है। एक चीज और मैंने रखी कि लॉजिस्टिक्स के लिए केंद्र सरकार विशेष रूप से मदद करे, इस संदर्भ में भी एक बात मैंने रखी हुई है। इसके साथ साथ उद्योग बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, तो उद्योगों को भी जो छोटे उद्योग है हमारे SMEs जो है उनका जो प्रोविडेंट फंड ग्रांट्स अगर उनको हम दे तो ज्यादा बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार होगा। हिंदी सिनेमा के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने निजी अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत में केस दायर किया है, जिसनों लेकर दिल्ली हाई कोर्ट च सुनवाई चल रही है। बिग बी की तरफों इस केस की नुमाइंदगी मशहूर वकील हरीश सालवे कर रहे हैं और इस तो इलावा इस केस की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला की अगवाई हेठ चल रही है। खबरों की मनीए तो बिग बी ने इस मामले अपनी इमेज आवाज़ ना जा अपने किसी भी गुण को बचाने लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया है। इस मुताबिक जे कोई व्यक्ति या संस्था अमिताभ बच्चन के ना आवाज़ या उन्हां नाल संबंधित किसी भी चीज़ की वरतों उन्हां दी इजाजत तो बिना करता है तो उस विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के गुजरात के दिल्ली नगर निगम चोणों में हार के डर तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानो मारन की साजिश रचन का दोष लाने तो एक दिन बाद अज इस मामले में जांच की मांग की है। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए दोष लाया कि भाजपा आगू मनोज तिवाड़ी ने केजरीवाल खिलाफ वीरवार को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वह खुली धमकी है। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा अरविंद केजरीवाल की हत्या लई रची जा रही साजिश वल इशारा करती है। असी इस धमकी लई मनोज तिवाड़ी की गिरफ्तारी की मंग करते हाँ। आम आदमी पार्टी के वफद वालों दिल्ली स्थित भारत के चोण कमिशन को शिकायत करके मंग की गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल रही धमकी के मामले में निरपक्ष जांच करवाई जाए। उत्थे ही मनोज तिवाड़ी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवाड़ी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज तरह तरह के आरोपों तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का, इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और FIR भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जाँच की जाए क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा बढ़ा सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है, केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है BJP। किस डेट की है ये, 2019 में है, ये अलग 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 डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है।
अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। तलवंडी साबा विखे एक व्यापारी तो गैंगस्टर मनप्रीत सिंह मन्ना दे रिश्तेदार दे नां ते रंगदारी मंगण दा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले विच रंगदारी मंगण वाले एक सरकारी मुलाजम नूं काबू कर लिया है अते पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिती है। पीड़ता तो पहला भी कथित तौर ते गैंगस्टर मनप्रीत सिंह मन्ना वल्लों रंगदारी मंगी गई सी, जिस विच पुलिस ने मामला दर्ज किया सी। रंगदारी मंगण वाला नौजवान तलवंडी साबो दे एक पिंड दे सरकारी स्कूल विच क्लास 4 दी नौकरी करदा है, पर नशे दे आदि इस नौजवान ने अपने नशे दी पूर्ति लई रंगदारी दी मंग कीती है। आज की नशा तुहाडा? मेरा नाम दीवान चंद, सन ऑफ श्री रोशन लाल। की मामला है? मामला है वी असीं गर्ग मेडिकल हाल ते दवाइयां दा काम करदे आ। कल शाम नूं 4:14 से साढ़े पास एक फोन आया कि मैं प्रदीप सिंह बोल रहा, मन्ने दा चाचे दा पुत, ते मैं सानू पैसों की लोड़ है, थोड़े कोल साडा बंदा आ रहा है, जिन्ने पैसे मंगूगा इनू उन्ने पैसे दे देना, ना लेने की सूरत विच नतीजे भैड़े होंगे। उस तो बाद मैं उन्होंने बैक कॉल की, भाई प्रदीप सिंह बोल रहा, कहना हाँ जी मैं प्रदीप सिंह बोल रहा, महा मैं पैसे तैयार करके ले बैठा, तेन किन्ने चाहिए है, तो दुकान पर आ जाते ले जा, मुड़ के साढ़े कोल कोई आया नहीं। मंग उन्होंने यार नहीं की थी भी सू कि चाहिए, मैं उन्होंने कहा भी जिन्हें सूँ चाहिए असं तैयार करी बैठे आके ले जाए। पुलिस को उदू बाद रिपोर्ट दी है जी। मन्ना जो गैंगस्टर मन्ना जेल च है वो प्रदीप, हाँ वह नाम लिया। असीं मंग करदे हां वी इन्हां दे लोकां दे खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, जिहड़े कि जनता नूं परेशान कर रहे हैं, नजायज़ तंग कर रहे हैं। मैं उन्होंने ये भी कहा भी असीं कमाई थोड़े लोगों वास्ते नहीं करते, कमा के खाया करो, ये काम किन्ना चिर चलाओगे तुसीं, असीं अज फैसला करन नूं तैयार बैठे हाँ भी आ जा भाई लै जा, इन्नी गल हो गई। हुण कोई सुरक्षा थोड़ी? हुण साडी कोई सुरक्षा नहीं सी, सुरक्षा अपनी आप करांगे। पुलिस तों मंग करदे हो? नहीं असीं कोई मंग नहीं करते। मैं पुलिस ने यह गल कही भी सानू असी आपकी सुरक्षा आप करा, सानू हुक्म दिओ कि असी कर सकीए। कल 4:30 शाम को एक टैलीफोन आया सी भी जिहड़ा लक्की आ सन ऑफ विजय कुमार उहदी बस अड्डे दे नेड़े शेंकी गिफ्ट हाउस आ, उन्हां तों कोई बंदा फरौती मंग रहा, जिस दे तुरंत ही पुलिस ने हरकत 'च आउंदे इस बंदे नूं काबू किया, जिसका नाम सतपाल सिंह पुत्र तोता सिंह वासी शिंगोआ, जिसके खिलाफ़ मामला दर्ज करके इन्हू मुकदमे गिरफ़्तार कर लिया। अज इन्हू पेश अदालत किया जाऊगा, तो जिसका पुलिस रिमांड करके हासिल करके होर ढंगाई ना पुछगिछ की जाऊगी और अगे तफ्तीश में रखे जाऊ। चल सर किसका नाम ले रहा था, कोई ये किसी संपर्क है कोई इस तरह पता लगे है? नहीं ना लिया मैं कि मन्ना गा वह चाचे का मुंडा प्रदीप आ, उदा करके इस तरह फोन कर रहे बंदे कि प्रदीप ने मैं भेजा मैं पैसे देते हैं, ये अगे तफ्तीश से पता लगू। अभी सर जो पीड़ित परिवार उन्होंने पहला भी कोई फरौती का मामला सामने आया? पहला भी इन्होंने तो शायद फरौती हुई है, फरौती मंगी वो भी केस दर्ज होया साढ़े च। सब डिवीजन तलवंडी साबो अंदर अज सवेरे एक नौजवान की चिट्टे की ज़्यादा मात्रा लैण नाल मौत होने का समाचार प्राप्त होया है। मृतक नौजवान पिछले काफ़ी समय तो ज़्यादा नशे का आदि सी अते परिवार ने उसका नशा छुड़ाउण की कोशिश भी की सी पर ओ नहीं मन्निया। मृतक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र सी। मृतक की पहचान गुरविंदर सिंह खेता वजो हुई है, उत्थे ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। नशा कर रहे चिट्टे का, चिट्टे का नशा कर रहे, चिट्टा छरियां बिक रहा जी तलवंडी के दमदमा साहब च, बिकता कितने नहीं। अच्छा आखिर बुढ़ियां बेची जाने पार्क आके पुलिस गौर ही नहीं करती। अच्छा हाँ जी हुण की होया अपने मुंडे नूं? चिट्टा चिट्टा ला के मरिया जी। अच्छा जी हाँ जी। कला ही बेटा? कला ही बेटा सी जी साडा, असीं लाजपत राय हस्पताल च करा लैंदा जी, हर 2 महीनों का दोबारा फिर ला गया, जो आम बिकी जाता जी इसनूं मिलता है। तलवंडी दमदमा साहब है, चिट्टा बंद हो।
हलका फतेहगढ़ चूड़िया के पिंड अकरपुरा विखे पिंड वासियों वालों पिंड के सरपंच प्रीतम सिंह के पिंड विच आई कोई तकरीबन 2 करोड़ की ग्रांट विच वड्डे पद्धर से भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए हैं। पिंड वासियों ने दसिया है कि उन्होंने आरटीआई राही पिंड विच आई ग्रांट की जानकारी ली है, जिस विच गलियां नालियां लई लगभग 1 करोड़ रुपए, डिस्पेंसरी लई 22 लाख रुपए, कब्रस्तान लई 8,60,000 रुपए, शमशान घाट लई 7 लाख रुपए अते होर भी ग्रांटा आईयां हन। पर हर काम विच वर्ती ग्रांट च वड्डे पद्धर ते घपलेबाजी की गई है। पिंड वासियों ने सरपंच खिलाफ नारेबाजी भी की है। इस मौके पत्रकार नाल गलबात दौरान DDPO संदीप सलहोत्रा ने कहा है कि दोवां धिरां विचकार टकरार होण करके कोई जांच नहीं हो सकी, इसलिए जांच JEE नूं दित्ती गई है। जेकर कोई भी दोषी पाया गया तो उस खिलाफ कानून मुताबिक कार्रवाई होगी। अहीं पिंड अकरपुरा दे वासी सारे इकट्ठे होए हैं जी। ये मसला यह है कि साडे पिंड दे विच 2.25 करोड़ रुपया ग्रांट आई है जी, जिहड़ी खुद बुद्ध की गई है जी सरपंच दे द्वारा। आ कब्रिस्तान का तुसीं हाल देख लो, 8.5-9 लाख रुपया इत्थे आया जी, एक चार दीवारी दो कंधां करके उत्थे नूं खपाता आ। छप्पड़ दा तुसीं हाल देख के आए, लोगों के बच्चे बेचारे विच डिगण डे आ, डंगर डिगण डे आ, गलियां नालियां दा इन्ना माड़ा हाल आ। जे वेखो 7-7.5 लाख रुपया साडे मड़ियां दा, जिहड़े जट्टां दीआं मड़ियां ने उहदा आया, उहदा कोई उत्थे 1-1.5 लाख रुपया लगा, बाकी सारा खुरद बुरद किया गया जी। 22 लाख रुपया डिस्पेंसरी का आया जी, अजे वह अधूरी पई आ। 22 लाख रुपया किसी बिल्डिंग ते लगा होवे ते मूँह बोलदी आ। साडी इहो मंग आ सरकार तों, आपां DC साहब नूं भी 2-2.5 महीने हो गए आपां मिल रहे हैं, रिटन दे विच लिख के बेनतियां कर रहे हैं भी सानूं इंसाफ दिता जाए पिंड नूं, जिहड़ी इह ग्रांट खुरद बुरद होई आ इहदा पिंड सरपंच तों हिसाब लिया जाए, उत्ते बण दी कारवाई की जाए जी। मैं प्रीतम सिंह सरपंच अकरपुरा बोल रहा कि डिस्पेंसरी जिहड़ी आ उह 22 लाख रुपया जिहड़ी मैं सारी बिल्डिंग तैयार की आ, गलियां दे वखो वख पैसे आए ने, कोई 15 लाख पहलों आया, फिर 8 लाख आया, फिर को 8-9 लाख की फिर ग्रांट आई, इन्ना के 30-32 लाख ग्रांट यदि आई आ। शमशान घाट लिए आया 5 लाख, कब्रस्तान लिए आया 5 लाख, रस्तियां लिए आया 8-8 लाख, बाकी कोई छोटी मोटिया ग्रांटा होर ने जिहड़ियां गलियां नालियां जो वरतिया गई ने। काम तो मैं जिहड़ी कली ग्रांट खर्ची आ कली का जूसी करवाया, जे खर्च के तो मुड़के JEE साहब मेरी जूसी कट के गया, जो काम होया वो जूसी निकली है। डेरियां नूं जांदे रस्तियां दा भी तुसीं करवाए? करवाए, 2 रस्ते बनाए ने। होर की कहना चाहुंदे जी, जिहड़ी अज दी ADC साहब आए ने जां DDPO साहब आए ने, उन्हां संबंध की कहना चाहुंदे जी, जिहड़ी इनक्वायरी तुहाडी हो रही है क्यों हो रही है? इह तां पिंड वाले कराउंदे ने जी, एवें बदोबदी भी काम ही नहीं होया, मैं तां सारा काम करवाया, जो ग्रांट आई है सारी खर्ची है। ग्रांट जिहड़ी आई है वख वख ला के जूसी तैयार कीते ने, सब कुछ मेरे को है ने, जो कुछ है प्रूफ है सारी दे। छप्पड़ मैं ग्रांट ही नहीं लई, छप्पड़ तेरे ग्रांट ठेकेदार लाई तो थले गल गया, सरिया ही पिया वह बिल्डिंग नहीं उसरी। कब्रस्तान बारे कुछ? कब्रस्तान बनिया सारा कुछ, चार दवाई की ग्रांट आई, चार दवाई लग गई उ। मैं DDPO गुरदासपुर संदीप मल्होत्रा अज ग्राम पंचायत अकरपुरे आया सी जी, मैं तो मेरी टीम JEE एंड पंचायत अफसर के पंचायत सैकटरी। साढ़े को एक ग्राम पंचायत अकरपुरे के सरपंच साहब के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई सी भी इन्हों के समय में जो भी पैसा आया वो दुरवरतों की गई है। उस संबंध में अज मैं मौका रखा सी, मैं रिटर्न चिट्ठी कढ़न तो बाद इतने मौके पर आया सी, शिकायतकर्ता भी सद्या सी, पर दोवे धिर ने मेरी हाजिरी में ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिता गया, जिस करके मैं मौके पर जाना पै रहा। बाकी मैं ऐड करना चाहुंदा कि जे किसी ने दुरवरतों की है या नहीं की, तो असं हम JEE को इनकुआरी करावे, जो लोड़ पई तो एक्शन साहब को भी इनकुआरी करा के जो सही नतीजे कानून मुताबिक हो गए कट के जनता के सामने लियावे जी। श्रोमणी अकाली दल के लंबे समय तो सरगर्म आगू रहे जथेदार कुलदीप सिंह भोगल ने अज पार्टी के दिल्ली दफ्तर विखे पहुँच के मुड़ श्रोमणी अकाली दल अपन सेवावान का ऐलान किया। दिल्ली इकाई के प्रधान परमजीत सिंह सरना ने जथेदार कुलदीप सिंह भोगल नूं सरोपा पा के जी आया आख्या। सरदार सरना ने स्पष्ट किया है कि जथेदार कुलदीप सिंह भोगल के इस फैसले नाल पार्टी होर मजबूत होवेगी। इस मौके दिल्ली कमेटी मैंबर अनूप सिंह घुम्मण, जतेंद्र सिंह साणी, जतेंद्र सिंह सोनी अते होर भी मैंबर शामिल रहे। अज एक गल दसण विच मन बड़ी खुशी महसूस हो रही है, मेरे बहुत पुराने साथी ते अकाली दल नाल, मैं कहां कि जब तक श्रोमणी अकाली दल
पैदाइश हुई है तद तो उस परिवार के फरजंद सरदार कुलदीप सिंह भोगल अज अपनी अकाली दल में दोबारा ये नहीं मैं कह रहा शामिल हो रहे हैं अपन सेवावान दे रहे हैं। कई बंद करके इन्हों किसी जगह जाना पिया जड़ा इन मन से बहुत सी। एक बार मैंने कह लगे कि रोज़ मेरे माता पिता मेरे सुपने चा के कभी मेरा दादा आ जाता है तो वह कहें भी तू क्यों अकाली दल छड़ के दूजी जगह गया है तो मैं इन्होंने कह दे गल सुन जे तेरी ये मन की हालत हैगी तो तू अपनी पेरेंट पार्टी में शामिल हो शामिल ना हो अपन सेवावान दवा पेश कर। पंजाब दे पेंडू विकास ते पंचायत अते खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वालों अज शुगर मिल भला पिंड दे 33वें पिड़ाई सीजन दा उद्घाटन बटन दबा के कीता गया। इस तो पहला मिल प्रबंधकां वालों वाहिगुरु दा शुकराना करन लई मिल कंपलैक्स अंदर स्थित गुरद्वारा साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए। पिड़ाई सीजन दा उद्घाटन करन उपरंत कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि गन्ने दे इस सीजन दौरान गन्ना काश्तकारां नूं कोई मुश्किल नहीं आन दिती जाएगी ते गन्ने की अदायगी भी समय सिर करन दी पूरी कोशिश की जाएगी। ਪਦਵੰਦ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਦਵੰਦ ਵਾਂਗੂ ਐਤਕਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਪਦਵੰਦ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਦਵੰਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਦਾਜੀ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਪੱਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹ ਕੋ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਭ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।